हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 हम अपलोड कर चुके हैं, और इसके पहले के लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हम एक या दो लेक्चर्स में लगभग आपका 10th और 11th में हम न्यूमेरिकल पोर्शन आपका इंक्लूड किए हैं वेक्टर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ से इनके सोल्यूशंस को देख करके कुछ आपको मेथड्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के फाइंड आउट हो रहे होंगे, और डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपका कुछ कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका और क्लियर हो रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम कुछ और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करेंगे, और आई होप डियर फ्रेंड्स इनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपके भी आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। तो इनके सोल्यूशंस को डियर स्टूडेंट्स आइए हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, और आप लोग जो है इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होंगे इनको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको 3 क्वेश्चंस आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, इनका सोल्यूशन आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, और कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे फॉलो करते हैं आप स्टेप्स का ध्यान रखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स जैसा कि हमने मेनी टाइम्स बता रखा है कि आपके तभी स्ट्रांग होंगे आप जितना ज़्यादा इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपके उतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो आइए डियर फ्रेंड्स आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 है डियर फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको फिगर दिया गया है, इन फिगर अभी हम ड्रा करेंगे। फाइंड ए, इसमें कई पार्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ए में हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, फिगर अभी हम डियर स्टूडेंट्स ड्रा करेंगे। ए में हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, बी में हमसे एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स पूछा गया है, ठीक है, कंपोनेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारा क्वेश्चन सी है हमारा एंगल विद एक्स एक्सिस, द एंगल विद एक्स एक्सिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे। ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ ए, फिर आपको गिवन है वेक्टर बी सी, एंड थर्ड है आपका वेक्टर डी ई, ठीक है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 3 वेक्टर ओ ए बी सी एंड डी ई गिवन है, और यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा हमको एक्स एंड वाई के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, और तीसरा डियर फ्रेंड्स हमको एंगल विथ एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए ओ बी एंड डी ई, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका विथ एक्स एक्सिस हमको एंगल फाइंड आउट करना है। इसमें फिगर डियर फ्रेंड्स आपको गिवन है, फिगर ध्यान से देखेंगे, फिगर ही हमें हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये हमको फिगर गिवन है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ आपका ओरिजिन वो है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका वेक्टर ओ ए, इसका मैग्नीट्यूड आपका 2.0 मीटर, ठीक है, यहाँ से एंगल आपका 30 डिग्री गिवन है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपका वेक्टर डी ई गिवन है, डी ई, इसका भी मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.0, ठीक है, यहाँ से ये 90 डिग्री गिवन है। और डियर फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट वेक्टर ये यहाँ से बी सी गिवन है, बी सी,
ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर आपको 60 गिवन है और इसका मैग्नीट्यूड आपको 1.5 गिवन है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास थ्री वेक्टर्स हो गए, ओ ए, डी ई और बी सी, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो इसके पहले के हम एक लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। अगर इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी वेक्टर्स के हम एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इन सभी वेक्टर्स के हम वाई कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। और एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स डियर स्टूडेंट्स, एलॉन्ग एक्स सभी कंपोनेंट्स का ऐड कर लो, एलॉन्ग वाई सभी कंपोनेंट्स का, सभी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का एलॉन्ग वाई ऐड कर लोगे तो आपके एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और एंगल विथ एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट, पहले तो हम इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर डियर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के साथ इसका हम कुछ एंगल सपोज कर लेंगे। और एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई के एलॉन्ग जितना आपका रिजल्टेंट जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड, और एक्स के एलॉन्ग जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सबका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसको डियर फ्रेंड्स आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर को ए देखते हैं, वेक्टर ओ ए एलॉन्ग एक्स एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस डियर फ्रेंड्स ये है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस 30, ये बीच का इंक्लूडेड एंगल 30 है, तो यहाँ से हमको मिलेगा ओ ए कॉस 30। ओ ए की वैल्यू गिवन है आपको 2, ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, √3/2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिली, √3। अब डियर स्टूडेंट्स ओ ए हो गया हमारा, डी ई एलॉन्ग एक्स फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर डी ई एलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये एलॉन्ग वाई एक्सिस गिवन है। अब हम हमारा थर्ड वेक्टर बी सी बचा, बी सी डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, एलॉन्ग एक्स एक्सिस हम फाइंड आउट करेंगे बी सी की वैल्यू, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी इसका जो है एक्स कंपोनेंट एलॉन्ग एक्स, ये आपका एक्स कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा बी सी कॉस इनके बीच का एंगल 60 है, ये 60 हो गया, तो यहाँ से BC की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1.5 गिवन है आपको, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.75, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इन तीनों का वेक्टर हमने एलॉन्ग एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर लिया, इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमने एलॉन्ग एक्सिस फाइंड आउट कर लिया। अब डियर फ्रेंड्स इनका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, रिजल्टेंट एलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसको हम आर एक्स सपोज कर लेते हैं, इन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान देंगे, आपका बी सी जो है, बी सी का एलॉन्ग एक्स कंपोनेंट जो वैल्यू आएगी वो डियर फ्रेंड्स निगेटिव आएगी, क्योंकि एलॉन्ग एक्स एक्स का डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है, और बी सी का डायरेक्शन ये है, मतलब अपोजिट आ रहा है, यहाँ पर इसकी साइन क्या हो जाएगी, इसकी साइन आपकी निगेटिव हो जाएगी, तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर हम विद निगेटिव साइन लिखेंगे, यहाँ से -0.75 आ जाएगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हमको मिलेगी वैल्यू √3, ठीक है, प्लस 0, और यहाँ से +0.75 मिलना था, यहाँ से माइनस हो जाएगा -0.75, ठीक है। यहाँ से √3 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, √3 की वैल्यू 1.73 होता है, -0.73, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इन दोनों की वैल्यू जो है सॉल्व करो, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 0 हो गया, 770 हो गया, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1, ठीक है, 1.73।
ये आपका हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 0.7, ठीक है, माइनस 0.75, सही। अब यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक्स इज इक्वल टू √3, हमने इसको ऐड कर लिया, फिर इसकी वैल्यू ऐड कर लिया, फिर इसकी वैल्यू ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ से हमको मिला √3 + 0 - 0.75। अब 1.73 में से 0.75 हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ डेढ़ सौ 75 है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, यहाँ आ गया 8, और यहाँ आपका हो जाएगा 9, ठीक है, ये आ गया 0.98, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई 0.98, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आर एक्स की वैल्यू हमको जो मिली है, आर एक्स की वैल्यू हमको मिली है 0.98, इसको हमने यहाँ पर सेपरेटली लिख लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी की वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ से केवल और केवल वाई एक्सिस हो जाएगा रिजल्टेंट अलॉन्ग, यहाँ वाई एक्सिस लिखेंगे, अब यहाँ वाई लिखेंगे, और यहाँ इन सबकी वैल्यू हम देखेंगे कितनी मिलती है, ठीक है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए डियर फ्रेंड्स इन सब की वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी, यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ से ओ ए, सबसे पहले ओ ए अलॉन्ग वाई एक्सिस देखेंगे, ये आपका कितना आएगा, ये आपका डियर फ्रेंड्स आएगा ओ ए साइन, इनके बीच का एंगल 30 है, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ओ ए की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू डियर फ्रेंड्स क्या होती है, 1/2 होती है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स ओ डी ई, डी ई, डी ई अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, -1 है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ओरिजिन हो गया, तो ये प्लस वाई एक्सिस और ये माइनस वाई, यहाँ से इसकी वैल्यू -1, इसने आपकी डी ई की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई। और यहाँ से बी सी, बी सी ध्यान दें, ये है बी सी, बी सी का वाई कंपोनेंट डियर फ्रेंड्स ये आएगा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी सी साइन 60, ठीक है। यहाँ से बी सी साइन, यहाँ वाई एक्सिस सब लिख देंगे, बी सी साइन 60 हो गया, बी सी साइन 60, बी सी की वैल्यू डियर फ्रेंड्स आपका वही है 1.5, और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3/2, ठीक है। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा वही 0.75, और ये हो जाएगा आपका √3, तो 0.75 × 1.73, ठीक है। इसको डियर फ्रेंड्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम रिजल्ट एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, इसको डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यहाँ से 1.73 × 75, ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 5 5 3 8, ये हो गया आपका 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ से डियर फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से लिखेंगे, और 7 7 7 7, ये हो गया 11, तो यहाँ से डियर 5 7 7, ठीक है, 1 1 2 1, यहाँ से डियर फ्रेंड्स इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.3 आ जाएगी आपकी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू 1.3 हो गई। अब डियर फ्रेंड्स रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका साइन माइनस है, तो यहाँ से माइनस हो गया, फिर प्लस 1.3, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से हमको डियर फ्रेंड्स इसकी वैल्यू मिली 1.3, तो आर एक्स आपको मिला 0.98 और आर वाई आपको मिला 1.3, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब यहाँ से हम रिजल्ट बैंड फाइंड आउट कर लेंगे, और रिजल्ट बैंड का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारा होता है अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आर एक्स आपका 0.98 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस आर वाई आपका 1.3 इसका स्क्वायर, ठीक है।
इसको डियर फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व करोगे इन सबकी वैल्यू रख करके, इन सबका आप स्क्वायर रूट निकाल करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको 1.6 मिल जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 1.6 हो गई, यहाँ से ये हो गया हमारा रिजल्ट एंड ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमारा रिजल्ट आ गया 1.6। अब डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें हमको फाइंड आउट करना था, हमको तीन रिजल्ट मिल गए। हमको आर एक्स फाइंड आउट करना था, आर वाई फाइंड आउट करना था और आर फाइंड आउट करना था। ठीक है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आपको मिल गए, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट आपको मिल गया यहाँ से, और मैग्नीट्यूड भी आपको मिल गया 1.6। ठीक है, अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान है। अगर हम इसके इसका विद इसके रिजल्टेंट का, ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या आया आर, अगर आर को हम सपोज कर लें, इसका रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ अगर हम सपोज कर लें कि अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम जानते हैं इसको आप लोग भी पढ़ चुके हैं इसके पहले, टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई का मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट यहाँ से डियर फ्रेंड्स वाई कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड आपका कितना है, 1.3 अपॉन इसका आया है 1.6। ठीक है, ये हो गया आपका टैन अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स टैन अल्फा इज इक्वल टू 1.6 अपॉन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट्स कितना आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट्स आपका 1.3 आया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट कितना आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट आपका 0.98 आया है। ठीक है, 0.98, तो यहाँ से आपका अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1.3 अपॉन 0.98। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स अपने तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया द एंगल विद एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्ट एंगल। ठीक है, तो आपका एंगल यहाँ से वेरीफाई हो गया, फाइंड आउट हो गया, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1.6 अपॉन 0.98। इस पर भी आपका आंसर सही है, इसके आगे भी आप सब वेरीफाई कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब डियर फ्रेंड्स आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान देंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना सीखेंगे और बाकी कैलकुलेशन। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर सेकेंड आइए देखते हैं, इससे भी आपका कुछ नया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, बहुत ही ईजी होता है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इसको भी आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेट इसमें a1, a2, a3, a4, a5, a6, फिर a1। ठीक है, बी आर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, राइट द एक्स कंपोनेंट। इसमें आपको एक्स कंपोनेंट लिखने हैं, राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाई द सिक्स साइड्स। ठीक है, इसमें सिक्स साइड होंगे क्योंकि आपका हेक्सागन है, सिक्स साइड्स टेकन इन, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, टेकन इन ऑर्डर, यूज द फैक्ट दैट द रिजल्ट एंड
क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ऑफ दीज सिक्स वेक्टर्स इज जीरो, वेक्टर्स इज जीरो, ठीक है। टू प्रूव दैट, यहां से डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कॉस जीरो प्लस कॉस पाई बाय थ्री प्लस कॉस टू पाई बाय थ्री प्लस कॉस थ्री पाई बाय थ्री प्लस कॉस फोर पाई बाय थ्री प्लस कॉस फाइव पाई बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां से डियर स्टूडेंट्स आपको इन सब का सम इज इक्वल टू जीरो शो करना है। और आपका क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनेंगे, इसमें ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स और फिर से ए वन तक पहुंच गए, बी आर रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाई द सिक्स साइड्स टेकन इन ऑर्डर, यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज सिक्स वेक्टर्स इज जीरो। आपको फैक्ट यूज करना है कि रिजल्टेंट ऑफ सिक्स वेक्टर इज जीरो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, जीरो प्लस पाई बाई थ्री प्लस टू पाई बाई थ्री प्लस थ्री पाई बाई थ्री। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसका फिगर जो है देखेंगे, इसका फिगर भी आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपका एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से ये आपका एक वेक्टर है, ये 60 डिग्री पर है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट और ये आपका नेक्स्ट, ठीक है। ये आपका हेक्सागन कंप्लीट हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6। ये आपका ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, ये एंगल आपको 60 गिवन है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं इसका सलूशन, इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से डियर फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में गिवन है, आपको एक फैक्ट यूज करना है, यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज सिक्स वेक्टर इज जीरो। यहाँ पर इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको जीरो गिवन है, ठीक है। मतलब वेक्टर ए वन प्लस वेक्टर ए टू प्लस वेक्टर ए थ्री प्लस वेक्टर ए फोर इज प्लस प्लस वेक्टर ए फाइव प्लस वेक्टर ए सिक्स, ठीक है, इनका रिजल्टेंट जीरो आपको गिवन क्वेश्चन में ही ये बोला है कि आपको ये फैक्ट यूज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर किन्हीं वेक्टर्स के रिजल्टेंट जीरो होते हैं, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी वैल्यू सबसे पहले तो जीरो क्यों गिवन है, ये आपका डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स देखें तो ये सभी वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल, ये इसके इक्वल डायरेक्शन अपोजिट है, ये इसके इक्वल डायरेक्शन अपोजिट है, ये इसके इक्वल है डायरेक्शन अपोजिट है। इन सब का सम, इन सब का रिजल्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में भी ऑलरेडी गिवन है, इन सब का रिजल्टेंट आपको जीरो दिया गया है, क्वेश्चन में भी दिया गया है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कांसेप्ट आपको फॉलो करना है, अगर किन्हीं वेक्टर्स का रिजल्टेंट का सम या किन्हीं वेक्टर्स के रिजल्टेंट, अगर किन्हीं वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको जीरो गिवन है, तो उनके कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट भी जीरो होता है, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट भी जीरो होता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यही गिवन है कि रिजल्टेंट ऑफ दीज सिक्स वेक्टर, इसमें आपके क्वेश्चंस में ही कॉन्सेप्ट है, ऑफ दीज सिक्स वेक्टर्स इज जीरो, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ दीज सिक्स वेक्टर्स इज जीरो। अगर इन सिक्स वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है डियर फ्रेंड्स, तो इनका कंपोनेंट जो होगा उनका रिजल्टेंट भी जीरो होगा, ठीक है। अब इनका कंपोनेंट डियर फ्रेंड्स अलॉन्ग एक्स हो सकता है, अलॉन्ग वाई हो सकता है, तो यहाँ पर हेंस वी कैन से दैट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स इज जीरो, देन रिजल्टेंट ऑफ
देन कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट या रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज जीरो। ठीक है, तो यहां से डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि अगर ये cos 0, cos pi by 3, cos 2 pi by 3, cos 3 pi by 3, cos 4 pi by 3, cos 5 pi by 3, ये सब क्या है? ये सब डियर स्टूडेंट्स आपके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये सब आपके कंपोनेंट्स हैं और इनका कंपोनेंट्स along x cos के टर्म में आएगा, along y अगर ड्रा करेंगे तो साइन के टर्म्स में आएगा। तो यहाँ से हम इसका दूसरा रिजल्ट भी कह सकते हैं, इसका सम तो इज इक्वल टू जीरो होगा ही होगा, साथ साथ यहाँ से सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं, सिमिलरली यहाँ से साइन जीरो प्लस साइन पाई बाय थ्री प्लस साइन टू पाई बाय थ्री प्लस साइन 3 पाई बाय 3 प्लस साइन 4 पाई बाय 3 प्लस साइन 5 पाई बाय 3, डियर फ्रेंड्स इनका रिजल्टेंट भी आपको जीरो ही मिलेगा, चाहे आपसे cos 5 बाय 3 2 पाई बाय 3 3 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 प्लस 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू जीरो प्रूव करने के लिए कहा जाए, या साइन कंपोनेंट्स के लिए अगर इसको इज इक्वल टू जीरो प्रूव करने के लिए कहा जाए, तो ये डियर फ्रेंड्स दोनों ही रिजल्ट इस रिजल्ट से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो गिवन है, ठीक है, इनके कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट भी जीरो होगा ऑलवेज, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा रिमेम्बर रखेंगे, याद रखेंगे। और डियर फ्रेंड्स इनको आप दूसरे मेथड से भी जीरो दिखा सकते हो। दूसरे मेथड से कैसे? दूसरे मेथड से डियर फ्रेंड्स आप साइन 90 प्लस रूल पढ़े हो, ठीक है, जिसमें आल साइन टाइम कॉस यहाँ पर आप इसके हेल्प से भी आप इन सब की वैल्यू जो है 2 पाई बाय 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 3 पाई बाय 3 की वैल्यू, 4 पाई बाय 3 एंड सो ऑन, सब की वैल्यू फाइंड आउट करके सबको यहाँ पर प्लेस्ड करोगे तो इससे भी आपका साइन या कोसाइन रूल से भी जो है इन सब का रिजल्टेंट आपको जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम